चलिए बुलेटिन में अब बात कोरोना के कहर की। तो अब तक पूरे देश में 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 8,884 लोग अब तक कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। चलिए सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। देखिए यहां पर मामले शुरुआती दौर में आपको याद होगा बहुत कम आ रहे थे, लेकिन अब यहां पर आंकड़ा 4,878 हो गया है, मतलब 5,000 को यह आंकड़ा कभी भी पहुंच सकता है। बात पंजाब की करें, 3,063 मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। हरियाणा में 6,749 मामले सामने हैं। अपने प्रदेश राजस्थान की अगर आप बात करें, 12,694 मामले सामने हैं। वही बात अगर गुजरात की करें, 23,038 मामले सामने आ चुके हैं। बात महाराष्ट्र की करें, 1 लाख को यहां पर मामला पार हो चुका है। 1,04,568 मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य अगर इस वक्त कोई है तो वो महाराष्ट्र नजर आ रहा है। बात कर्नाटक की करें, 6,824 मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। बात अगर केरल की करें, 2,407 काफी ज्यादा लिमिटेड है यहां पर मामले फिलहाल अगर आप देखें अन्य राज्यों के कंपैरिजन में। लद्दाख सबसे ज्यादा कंट्रोल, 437 मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में 1,785 मामले सामने हैं। देश की राजधानी दिल्ली तेजी से यहां पर आंकड़े बढ़ते हुए और 38,958 मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 10,641 मामले, यूपी की अगर आप बात करें 13,118 मामले यहां पर सामने आए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े बड़े कदम उठाते हुए ताकि संक्रमण जो है उसको रोका जा सके। बात बिहार की करें, 6,290 मामले सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल 10,698 मामले यहां पर सामने हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर भी मामला काफी ज्यादा कंट्रोल नजर आता है बाकी राज्यों की तुलना में। 1,512 मामले यहां पर सामने हैं। ओडिशा में 3,723 मामले सामने आ चुके हैं। बात तेलंगाना की करें, 4,737 मामले यहां पर सामने हैं। बात आंध्र प्रदेश की, 5,965 मामले। और अगर आखिरी में बात की जाए तमिलनाडु की, 42,687, मतलब महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य तमिलनाडु नजर आ रहा है, उसके बाद दिल्ली, और फिर अगर आप ऐसे देखें तो गुजरात भी काफी ज्यादा इफेक्टेड नजर आ रहा है। इस तरह से देश में कुल संक्रमितों की संख्या फिलहाल 3,20,922 है और जो मौत हुई है वो 9,195 लोगों की जिंदगी कोरोना ने छीनी है।